हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हम सर्विस रिमाइंडर को कैसे हटाएं। तो हम बाइक पे आ गए। सबसे पहले बाइक की चाबी ऑन करना है। ऑन करने के बाद उसमें जो एक आइकॉन दिखेगा चाबी वाला, इस आइकॉन को हटाना है। ये सर्विस रिमाइंडर है चाबी वाला जो। तो सबसे पहले ये वाला जो आइकॉन है हटाना है। अब इसको हटाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिप एम वाला बटन दबाना है, ट्रिप बंद करना है इसको। ये दो बटन है इसमें, एक लेफ्ट साइड का बटन जो है एम वाला है, इसको दबाकर ट्रिप बंद पर करना है। ट्रिप बंद पर आ गया हमारा। अब इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद चाबी को दबाना है इसको। एक सेकंड, ट्रिप बंद दबा के चाबी को एक बार ऑन ऑफ करना है। फिर इसके बाद ऑन करना है चाबी को, बटन को दबाए रखेंगे उसको। दबाए रखने के बाद इसमें ये वाला चाबी के साथ ब्लिंक करने लग जाएगा। जब ये ब्लिंक करने लग जाए, देखो ब्लिंक करने लग गया, ब्लिंक करने लग जाए, उसके बाद एम को छोड़ के फिर एस वाला बटन, राइट साइड वाला बटन को दबाए के रखना है। इसको दबाए रखना है। अब ये देखो हमारा सर्विस रिमाइंडर चला गया है, चाबी वाला निशान। इसे जाने के बाद ट्रिप वन ट्रिप टू करके ओडो पे ला सकते हो। और इसके ये देखो चला गया सारा। इसको आप चाबी ऑफ कर दो, चाबी ऑन कर दो, हमारा देखो चला गया है। दोस्तों ऐसे करना है, गाड़ी को स्टार्ट करके देख लो, बेशक स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिमाइंडर नहीं आएगा आपका, सर्विस रिमाइंडर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, वीडियो काफ़ी है। थैंक यू सर।